अभी पिछले कुछ दिनों से मुझे काफ़ी सारे मैसेजेस और कमेंट्स मिले जिनमें मुझसे पूछा जा रहा था कि कब से और कब तक की इंग्लिश क्या होती है। कई लोग कमेंट्स में आपस में बहस करते हुए भी मिले जो कब से और कब तक की इंग्लिश सिंस वैन और फॉर वैन बता रहे थे। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का कोई आविष्कार है कि कब से और कब तक की अंग्रेजी सिंस वैन या फॉर वैन होती है। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि कब से और कब तक की इंग्लिश हाउ लॉन्ग होती है, लेकिन बिना सेंटेंस स्ट्रक्चर जाने आप इस हाउ लॉन्ग का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। इसलिए आखिर तक देखिए इस वीडियो को, विद एग्जांपल्स आपको समझाऊंगा हाउ कैन यू यूज द वर्ड हाउ लॉन्ग। मैं हूं जुल्फिकार मोहम्मदी और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विद जेड मोहम्मदी। और चलिए अब चलते हैं हाउ लॉन्ग मीन्स कब तक पर, यानी कि जब हाउ लॉन्ग का मतलब कब तक होता है तब उसे कैसे यूज़ किया जाता है, आइए अब इस तरफ देखते हैं। जैसे आप कभी कभी कहते हैं कि तुम कब तक इंतज़ार करोगे, तो आपको इंग्लिश में कहना चाहिए हाउ लॉन्ग विल यू वेट। हाउ लॉन्ग विल यू वेट यानी कि तुम कब तक इंतज़ार करोगे। जब आप कहते हैं कि तुम ये किताब कब तक पढ़ोगे, तो आपको इंग्लिश में कहना चाहिए हाउ लॉन्ग विल यू रीड दिस बुक। हाउ लॉन्ग विल यू रीड दिस बुक। कभी कभी आप कहते हैं तुम कब तक रोते रहोगे, तब आपको कहना चाहिए हाउ लॉन्ग विल यू बी वीपिंग। तुम कब तक रोते रहोगे, हाउ लॉन्ग विल यू बी वीपिंग। कभी कभी अक्सर आप लोग मुझसे भी पूछ लेते हैं कि मैं कब तक इंग्लिश सीख जाऊंगा, तब आपको कहना चाहिए हाउ लॉन्ग विल आई कंप्लीट लर्निंग इंग्लिश। सीखने की अंग्रेजी खाली लर्न मत लगाइए, कंप्लीट भी लगाइए, क्योंकि पूरा करने का वाला मामला है। इसलिए कहिए हाउ लॉन्ग विल आई कंप्लीट लर्निंग इंग्लिश। अब इसकी सेंटेंस स्ट्रक्चर आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हाउ लॉन्ग, उसके बाद विल। अगर सेंटेंस में रहेगा आता है तो आप विल के बाद सब्जेक्ट लगाइए, सब्जेक्ट के बाद बी लगाइए और बी के बाद वर्ब में आईएनजी लगा दीजिए। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो आप सीधा सीधा रखिए, पहले हाउ लॉन्ग लीजिए, उसके बाद विल लीजिए, उसके बाद अपना सब्जेक्ट लीजिए और सब्जेक्ट के बाद फर्स्ट फॉर्म लगा दीजिए वर्ब की। जैसे मैं कब तक ठीक हो जाऊंगा, तो सीधा सीधा कहिए हाउ लॉन्ग विल आई रिकवर। मैं कब तक ठीक हो जाऊंगा, हाउ लॉन्ग विल आई रिकवर। तुम यहां कब तक रहोगे, हाउ लॉन्ग विल यू लिव हियर। कभी कभी आप इसमें कैन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे? जब कभी कभी आप किसी की बदतमीजियों से तंग आकर कहते हैं कोई कब तक ये बदतमीजी बर्दाश्त कर सकता है, तब आप इंग्लिश में कह सकते हैं हाउ लॉन्ग कैन एनी वन बियर दिस रूडनेस। हाउ लॉन्ग कैन एनी वन बियर दिस रूडनेस। कोई कब तक इस बदतमीजी को बर्दाश्त कर सकता है। कभी कभी किसी की मदद करते करते आप थक जाते हैं और आप कहते हैं मैं कब तक तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, तब आप इंग्लिश में कह सकते हैं हाउ लॉन्ग कैन आई हेल्प यू। हाउ लॉन्ग कैन आई हेल्प यू। अब कुछ सेंटेंस हाउ लॉन्ग मीन्स कब तक वाले आपको देता हूँ, उन्हें ट्रांसलेट कीजिए और मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। तुम कब तक सीखते रहोगे, मैं कब तक बताता रहूंगा, हम कब तक दिल्ली पहुंच जाएंगे। इन तीन सेंटेंस को ट्रांसलेट कीजिए, मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं रिप्लाई करूंगा। देखते हैं कि कब से के तौर पर हाउ लॉन्ग को किस तरह इस्तेमाल किया जाता है। जब आप कहते हैं कि तुम यह काम कब से कर रहे हो, तो आपको कहना चाहिए हाउ लॉन्ग हैव यू बीन डूइंग दिस वर्क फॉर। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन डूइंग दिस वर्क फॉर। जब आप कहते हैं कि वह कब से यहां रह रहा है, तो आपको कहना पड़ेगा हाउ लॉन्ग हैज ही बीन लिविंग हियर फॉर। अब आप इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर देख लीजिए। सबसे पहले आप हाउ लॉन्ग लगाएंगे, उसके बाद आप सेंटेंस में हैज या हैव अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चुनेंगे। सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हैज लगेगा, सब्जेक्ट प्लोरल होगा तो हैव लगेगा। उसके बाद आप बी ई ई एन बिन लगाएंगे। बिन के बाद अगर सेंटेंस में रहा है आ रहा है, तो आप
ing फॉर्म लगाएंगे वर्ब की, और अगर रहा है वर्ड नहीं आ रहा है तो आप वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। उसके बाद अगर वाक्य में कोई और वर्ड होगा यानी कि ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट होगा तो आप वो लगाएंगे, और सेंटेंस के आखिर में फॉर लगाएंगे। ये से की अंग्रेजी होगी। तो आपका सेंटेंस इस तरह होगा, तुम यह काम कब से कर रहे हो? हाउ लॉन्ग हैव यू बीन डूइंग दिस वर्क फॉर? तुम यह किताब कब से पढ़ रहे हो? हाउ लॉन्ग हैव यू बीन रीडिंग दिस बुक फॉर? हाउ लॉन्ग हैव यू बीन रीडिंग दिस बुक फॉर? वह कब से फेल हो रहा है? हाउ लॉन्ग हैज ही बीन फेलिंग फॉर? आप एक सेंटेंस यूं भी कह सकते हैं कि वह कब से बीमार है। तब आप कहेंगे हाउ लॉन्ग हैज ही बीन इल फॉर? हाउ लॉन्ग हैज ही बीन इल फॉर? वह कब से बीमार है? इस सेंटेंस में जो मेन वर्ब है वो बिन ही रहेगी क्योंकि इल एडजेक्टिव होता है। अब एक दो सेंटेंस आपको मैं देता हूँ और बाकी आप उसे बनाएंगे और कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूँगा। जैसे तुम कब से सोच रहे हो? वह यहाँ कब से रह रहा है? तो मुझे उम्मीद है कि कब से वाला हाउ लॉन्ग आप समझ गए होंगे। तो आज की मेरी ये बेस्ड ऑन ग्रामर वीडियो आपको कैसी लगी जानने का इंतज़ार करूंगा। दुआओं में याद रखिए, सब्सक्राइब टू आवर चैनल लर्न इंग्लिश विद ज़ेड मोहम्मदी। खुदा हाफिज़।